समीना मुझे चेक क्यों देके गई है? अरे बेटा, ये उसका इखलाक है, प्यार से देकर गई है, वरना लोग ऐसा कहाँ करते हैं। अमीर लोगों के तो दिमाग आसमानों को छूते हैं। अमीर, मुझे किसी के सामने बेचारी नहीं बनना है। मेरा और बासित के बीच में जो टेंशन है वो प्राइवेट है, हमारा अपना मसला है। आपने जाके समीना को क्यों बता दिया? अरे बेटा, मैंने कहाँ बताया है, फोन आया था उसका, तुम्हारा पूछ रही थी, बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। फोन क्यों कर रही थी वो? आपने उसको बताया नहीं कि जोया की शादी हो गई? कह दिया, इनकार भी कर दिया, फिर भी वो उम्मीद बांधे बैठी है, तो मैं क्या करूं भाई। अब घर आए मेहमानों को धक्के देकर तो नहीं निकाला जा सकता ना। अब कैसी उम्मीद है? देखो आयशा, समीना को हमारा घराना बहुत पसंद आया है, उसे ऐसे ही समझदार लोगों की तलाश है, वो अपने भाई के लिए पढ़ी लिखी और बाहया लड़की की तलाश है। बासे जैसे अखड़ और बदमिजाज बंदे के साथ सर खपाने से तो बेहतर है कि तुम यावर के लिए। क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? देखो आयशा, अकल के नाखून लो, बासे तुम्हें छोड़ देगा। मैं गई थी उसके पास माफी मांगने, मैं सब सुन चुकी हूं, उसने मेरे सामने तुम्हें तलाक देने की बात की है। उसे तलाक दी तो नहीं ना मुझे, अभी मैं शादीशुदा उसकी बीवी हूं। अपनी एक शादीशुदा बेटी के बारे में ऐसे सोचकर आपके दिल में तकलीफ नहीं होती अम्मी? शादीशुदा बेटी आकर माँ के घर बैठ जाए शादी के बाद, वो ज्यादा तकलीफ दे बात है माँ के लिए। आयशा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? आपकी कोई भी माँ मुझे नहीं समझनी। बस जीती जाती इंसान हूं मैं, कोई खिलौना नहीं हूँ। मजबूर कर दिया आपने मुझे बासित से शादी में, उसके सामने पेश कर दिया, अब उसका दिल भर गया तो इस आदमी के सामने पेश कर लिया। बस इंसान हूं मैं, मेरी मर्जी अपनी। खुदा ना खास्ता बासित ने मुझे छोड़ दिया ना अम्मी, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, आपकी मर्जी से तो कभी नहीं करूंगी। जा रही हूं इस घर से।